हे गाइस, वेलकम टू लेयर थ्री एजुकेशन। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जनरल अवेयरनेस के बारे में देखा था, आई होप आपको आप सभी को वो सारी न्यूज़ पता होगी। और उसके साथ साथ हमने उनकी सारी डिटेल भी देखी। तो लाइक हमने किसी कंट्री के बारे में पढ़ा है, तो वहाँ की करेंसी, कैपिटल, वहाँ के CM, PM सभी के बारे में देखा था। तो आज हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं। आज हम और न्यूज़ देखते हैं जो जो अभी रिसेंटली हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ से। हमारी पहली न्यूज़ है, भारतीय वियतनामी सेनाओं ने पहला सैन्य अभ्यास आयोजित किया है और इसका नाम है विनबैक्स। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारत और वियतनाम की सेनाओं के बीच 6 दिवसीय सैन्य अभ्यास स्टार्ट किया गया था और ये इन दोनों देशों के बीच होने वाला पहला सैन्य अभ्यास। इससे पहले कभी इन दोनों के बीच में कोई भी सैन्य अभ्यास नहीं हुआ था। जैसे आपने सुना होगा, अभी लास्ट वीडियो में हमने एक न्यूज़ भी देखी थी कि भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरीन जो सैन्य अभ्यास हुआ था उसका समापन हुआ था। ऐसे हर देश, जैसे भारत और ले लीजिए कि फ्रांस, इन दोनों के बीच में गरुड़ नाम का सैन्य अभ्यास होता है और भारत और रूस के बीच में इंद्र नाम का होता है। ऐसे हर देश के साथ अलग अलग नेम के सैन्य अभ्यास किए जाते हैं। तो रिसेंटली भारत ने वियतनाम के साथ स्टार्ट किया है विनबेक्स नाम का। और कहाँ पर हुआ है ये? जबलपुर में। वियतनाम के प्रधानमंत्री गयेन जुआन फग भारत आसियान स्मारक शिखर सम्मेलन और गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने हेतु नई दिल्ली में थे और तभी उन्होंने फर्स्ट टाइम मैं भी बोल सकते हैं कि सोचा होगा कि हम दोनों देश भी मिलकर सैन्य अभ्यास स्टार्ट करते हैं। तो किसके बीच में हुआ है? भारत और वियतनाम के बीच में सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम था विनबैक्स। और वियतनाम के बारे में डिटेल देख लेते हैं कि वियतनाम की राजधानी है हनोई और वहाँ की मुद्रा है वियतनामी डोंग। तो ये थी हमारी पहली न्यूज़। अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया जाएगा इंटरनेशनल बर्ड प्रोग्राम, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया जाएगा। फरवरी 2018 में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव जो है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खेरी, कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। इसमें लगभग 200 प्रमुख पक्षी विज्ञानी उपस्थित होंगे। जैसे आपने दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना ही होगा, वहाँ पर एक पक्षी महोत्सव, इंटरनेशनल पक्षी महोत्सव आयोजित किया जाएगा फेब में। और इंटरनेशनल पक्षी महोत्सव का उद्देश्य दुधवा में पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना और विशिष्ट थारू कला, संस्कृति और विरासत को उजागर करने के अलावा विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्रदान करना है। जैसे वहाँ पर एक थारू कला होती है और वहाँ की जो संस्कृति और विरासत है उसको बढ़ावा देना, इसका एक मोटो बोल सकते हैं कि इसका एक लक्ष्य है। तो इससे रिलेटेड न्यूज ये बन सकती है कि कहाँ पर आयोजित किया जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर है? लखीमपुर खेरी में। और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव मनाया जाएगा यहाँ इस उद्यान में। और इसके अंदर 200 प्रमुख पक्षी विज्ञानी जो होते हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। तो ये हमारी न्यूज़ हो गई कि मेन, और इसका मेन लक्ष्य ये हो गया कि थारू कला, संस्कृति और विरासत को उजागर करने के अलावा साथ ही विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी, इंटरनेशनल, ताकि लोग इसको जाने, इसलिए यहाँ पर एक इंटरनेशनल पक्षी महोत्सव आयोजित किया जाएगा। अब देखते हैं हमारी थर्ड न्यूज़। हमारी अगली न्यूज़ है, कैबिनेट ने तेल व गैस क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इसराइल के बीच एक MOU को मंजूरी दी है। MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब अपन बोलते हैं समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेल एवं गैस क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इसराइल के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दे दी है। इस MOU से ऊर्जा क्षेत्र में भारत और इसराइल के आपसी संबंधों को मजबूत करने की आशा है। मतलब भारत और इसराइल के बीच में संबंधों को मजबूत करने के लिए ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। और आपने देखा ही होगा, इसराइल से भी आए थे और इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू से मिले भी हैं मोदी जी। तो उसी के संबंध में यहाँ पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इसराइल से रिलेटेड डिटेल आपको पता ही होगी कि इसराइल के राष्ट्रपति कौन है? रियवेन रिवलिन। वहाँ के PM है बेंजामिन नेतन्याहू और वहाँ की करेंसी है इसराइली न्यू शेकेल। जैसे कि आपको हर कंट्री की करेंसी मालूम होनी चाहिए और वहाँ साथ ही साथ उसके राष्ट्रपति भी मालूम होना चाहिए। तो हमारी जो इसराइल है वहाँ की करेंसी है न्यू शेकेल। देन वहाँ के PM आपको पता ही है, जिसे हर दिन न्यूज़ में और न्यूज़पेपर में आपने देखा ही होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू का नाम आया ही है न्यूज़पेपर में। तो वहाँ के PM जो है वो है बेंजामिन नेतन्याहू। अब मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की और, जो रिलेटेड है
आशा भोसले को किया जाएगा यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित। बॉलीवुड की पार्श्व गायिका आशा भोसले को यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वह इस पुरस्कार को पाने वाली पांचवी विजेता होंगी। जैसे आपने सुना होगा, यश चोपड़ा जो मूवी के डायरेक्टर है, मूवी बनाते हैं, उनके नाम पर एक अवार्ड रखा गया है, यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड। और 2018 में उनको अवार्ड मिलेगा, और 2012 में उनका निधन हो चुका था। यश चोपड़ा की स्मृति में TSR फाउंडेशन ऑफ टी सुब्बारामी रेड्डी ने इस पुरस्कार की स्थापना की थी। और यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड के बारे में आप देख लीजिए कि इससे पहले किस किस को मिल चुका है। तो ये लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को इससे पहले मिल चुका है। और रेखा, चार लोग हैं जिनको ये मिल चुका है, अब मिलने वाला है आशा भोसले को। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज। NMCG ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 295 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। NMCG के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने 295.01 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन तीनों परियोजनाओं में से एक सीवेज प्रबंधन के क्षेत्र में एक अनुमोदित परियोजना है, विच इज रिलेटेड टू सीवेज सिस्टम। और इससे रिलेटेड आप जैसे कि यहाँ पर हुआ है कि जल संसाधन और गंगा कायाकल्प मंत्री कौन है, नितिन गडकरी, और पेयजल और स्वच्छता मंत्री कौन है, उमा भारती। और जैसे कि आया है कि वेस्ट बंगाल, तो ये योजना कहाँ कहाँ पर लागू होने वाली है? वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड एंड वाराणसी। मेन सेक्टर ये जहाँ पर इस योजना को बोल सकते हैं कि किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड एंड वाराणसी। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज। आपको NMCG का फुल फॉर्म बताना चाहिए, नेशनल क्लीन गंगा मिशन, और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन इसका नाम है। और 295.01 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। और दोनों मंत्री के नाम की, जल संसाधन गंगा कायाकल्प मंत्री नितिन गडकरी है, और पेयजल और स्वच्छता मंत्री कौन है, उमा भारती। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज। स्वास्थ्य मंत्री और टाटा मेमोरियल सेंटर ने भारत का पहला डिजिटल ऑनलाइन अर्बुद विज्ञान ट्यूटोरियल का लॉन्च किया है। श्रीमती प्रीति सूदन जो सचिव हैं स्वास्थ्य परिवार कल्याण, ने स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा डिजाइन देश की पहली डिजिटल ऑनलाइन अर्बुद विज्ञान ट्यूटोरियल का शुरुआत की है। अर्बुद विज्ञान, आपने नाम सुना होगा कि ये कैंसर की रोकथाम से रिलेटेड है, और यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको ऑनलाइन इन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। मतलब बोल सकते हैं एक तरह से प्रशिक्षित किया जाएगा कि कैंसर की उपचार किया कैसे किया जाता है, उसकी रोकथाम कैसे की जाती है, इन सब के बारे में उनको ऑनलाइन बताया जाएगा। तो अर्बुद विज्ञान, अगर आता है कि अर्बुद विज्ञान क्या होता है, तो अर्बुद विज्ञान एक ऐसी शाखा है जो कैंसर के रोकथाम और उपचार से संबंधित होती है। तो ये न्यूज़ पूरी उसी पे बेस्ड है कि रिसेंटली स्वास्थ्य मंत्रालय और टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा भारत का पहला डिजिटल ऑनलाइन अर्बुद विज्ञान ट्यूटोरियल का लॉन्च किया गया है। और कौन है इसके हेड? श्रीमती प्रीति सुधन। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज। आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक ने ग्रामीण भारत में आरंभ किया डेस्कटॉप ATM। जो आंध्र प्रदेश सरकार है, उसने आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक ने तेलंगाना में अपना पहला डेस्कटॉप ATM संचालित किया है। और यह शाखा के भीतर मिनी ATM ग्राहकों को छोटी मात्रा में धनराशि निकालने के लिए सुविधा प्रदान करेगा। ये क्या करेगा कि एक छोटा सा ATM है, लाइक आप समझ सकते हैं एक छोटा प्रिंटर टाइप का, जो बैंक के अंदर ही रखा होगा, जिससे क्या होगा वहाँ पे रश क्रिएट नहीं होगा और लोग इजीली वहाँ से मनी निकाल सकते हैं। तो ये पहला बोल सकते हैं कि ग्रामीण विकास बैंक जो होती है, रूरल बैंक, उनके द्वारा उठाया गया पहला कदम है एक बैंकिंग की टेक्निक की ओर बढ़ने के लिए। तो आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? नरसी रेड्डी। जैसे यहाँ पर आंध्र प्रदेश का नाम है, तो आपको आंध्र प्रदेश से रिलेटेड डिटेल पता होना चाहिए। वहां पर कौन सा नेशनल पार्क है? तो वहां पर है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क एंड मुर्गावनी नेशनल पार्क। ये दो मेन नेशनल पार्क वहां के हैं, और एक वन्य जीव अभयारण्य भी है, रोल्ला पट्टू वन्य जीव अभयारण्य। और एक आपको ये भी पता होगा अगर कि विद्युत संयंत्र भी है बोगाई गांव में, विद्युत संयंत्र, इसका नाम भी वही है, बोगाई गांव विद्युत संयंत्र। तो ये होगी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड डिटेल। और अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की ओर। इट इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, राजेंद्र खन्ना को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, राजेंद्र खन्ना को उपराष्ट्रीय सलाहकार NSA के रूप में नियुक्त किया गया। ये देश की जो खुफिया एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये रो के प्रमुख थे।
और अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोलवाल क्या उन्हें वहाँ के सचिव है। तो आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रीय सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राजिंदर खन्ना को। अब मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की ओर। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार के आधिकारिक प्रतीक का अनावरण किया है। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी ने राज्य सरकार के आधिकारिक प्रतीक का अनावरण किया, जिसे केंद्र द्वारा हाल ही में मंजूरी दी गई है। इस लोगो के शीर्ष पर अशोक स्तंभ बना हुआ है और बीच में बीसवा बांग्ला थीम है। सुश्री बनर्जी ने भी इस प्रतीक को डिजाइन करने में योगदान दिया है और सरकारी लेटर हेड सहित सभी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं गवर्नमेंट के, उस पर इस लोगो का उपयोग किया जाएगा। जैसे आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट होंगे उस किसी पर वो गेहूं की बलियां बनी हुई होती है, ऐसे ही पश्चिम बंगाल ने अपना नया बोल सकते हैं कि एक प्रतीक बनाया, जिसमें अशोक स्तंभ होगा और बीच में बीसवा बांग्ला का थीम होगा। और इसने किसको लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया है, तो ये ममता बनर्जी ने लॉन्च किया होगा। और केसरी नाथ त्रिपाठी पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है, ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर है। और पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि वहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है। तो बुक्सा नेशनल पार्क है, वहाँ पर एक नोरा नेशनल पार्क है। और वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो एक वन्य जीव अभयारण्य है महानंदा, महानंदा वन्य जीव अभयारण्य वहाँ पर ही है। तो ये हो गई पश्चिम बंगाल से रिलेटेड डिटेल, ठीक है। केसरीनाथ त्रिपाठी वहाँ के गवर्नर है। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। हिमालय हाइड्रो एक्सपो 2018 काठमांडू में शुरू हुआ है। हिमालय हाइड्रो एक्सपो 2018 नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्टार्ट हुआ है और नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी ने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। भारत, चीन, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और नॉर्वे सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधि जो हैं उन्होंने इस प्रदर्शनी में भाग लिया था। और एक्सपो का मूल उद्देश्य क्या है, एक्सपो जैसे नया नाम है तो इसका मूल उद्देश्य है नेपाल की विशाल जल विद्युत क्षमता को उजागर करना और सभी हितधारकों को एक साथ इकट्ठा करना, इसका मेन लक्ष्य था। तो किसने किसने शुभारंभ किया है, तो विद्या देवी भंडारी जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं। और नेपाल से रिलेटेड डिटेल देख लेते हैं कि नेपाल की राजधानी है काठमांडू, जहाँ पर सार्क का मुख्यालय भी है और यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया और वहाँ के पीएम है शेर बहादुर देउबा। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज। आइसलैंड समान वेतन वेद करने वाला देश का वेद करने वाला पहला देश बना। आइसलैंड जो है पुरुष और महिलाओं के बीच समान वेतन को वेद करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और आइसलैंड में अब काम के लिए महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक वेतन देना अवैध होगा। मतलब इसका पूरा मीन्स ये है कि पुरुषों को जितनी इनकम मनी मिलती है उतना ही अमाउंट महिलाओं को भी मिलेगा। ऐसा होता है ना कि महिलाओं को थोड़ा आरक्षण दिया जाता है, ऐसा आइसलैंड में नहीं होगा, वहां पर पुरुष और महिलाएं इक्वल होंगे। तो आइसलैंड से रिलेटेड डिटेल देख लेते हैं कि आइसलैंड का कैपिटल कौन है। कैपिटल है आइसलैंड का रेगजाविक और वहां के राष्ट्रपति हैं गुडनी जोहानसन। और ये समान वेतन वेद करने वाला देश पहला देश बन गया है इस वर्ल्ड का, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आइसलैंड से रिलेटेड न्यूज, यहाँ के कैपिटल और राष्ट्रपति भी हो गए। अब मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की ओर। एफडी फैसिलिटी के लिए पेटीएम भुगतान बैंक और इंडसइंड बैंक ने गठबंधन किया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के इंडसइंड बैंक के साथ भागीदारी की है, ताकि जब दिन के अंत तक ग्राहक की राशि शेष राशि जो 1 लाख से अधिक हो तो उसका फिक्स डिपॉजिट बनाने की सुविधा मिल सके। कैसे, लाइक आपके पेटीएम बैंक जो अकाउंट होता है, अगर उसमें 1 लाख से जब डे का लास्ट होता है मतलब नाइट होती है, तब अगर आपके अकाउंट में 1 लाख से अधिक की राशि है तो आप उसकी एफडी भी बनवा सकते हैं। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक ग्राहक किसी भी पूर्व समापन या विविध शुल्क के भुगतान के बिना, लाइक आपको जैसे बैंकिंग वगैरह में होता है थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता है, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिना किसी एक्स्ट्रा भुगतान के किसी भी समय अपनी जमा राशि को रिडीम कर सकते हैं और 6.85% वार्षिक ब्याज तक जमा तक कमा भी सकते हैं इसके ऊपर, एफडी के ऊपर। तो जैसे इस बैंक एक बैंक का नाम आया इंडसइंड बैंक, तो इसके अध्यक्ष कौन है, आर शेषासाई, और यहाँ का हेडक्वार्टर कहाँ है, बॉम्बे में। तो ये हमारी डिटेल न्यूज हो गई पेटीएम पेमेंट बैंक और इंडसइंड बैंक से रिलेटेड, और आपने इसके अध्यक्ष और मुख्यालय देख ही लिए। तो अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की ओर।
एमएस प्रमुख रवि मेनन को एशिया प्रशांत क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ सेंट्रल बैंक के गवर्नर के रूप में नामित किया गया है। सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण जो है एमएस के प्रबंध निदेशक रवि मेनन को यूके स्थित पत्रिका द बैंकर, जैसे फोर्ब्स होता है वैसे यहाँ पर एक यूके की पत्रिका है द बैंकर द्वारा 2018 तक एशिया प्रशांत में सबसे अच्छे केंद्रीय बैंक के गवर्नर के रूप में नामांकित किया गया है। और जो वित्त मंत्री है सुवी कीट को भी 2011 में यह पुरस्कार मतलब ये अवार्ड दिया गया था, और दैट टाइम वो एमएस के प्रबंध निदेशक थे। और पिछले 3 वर्षों में यह पुरस्कार वियतनाम को मिला है, एक बार इंडिया को मिला है, और एक बार बांग्लादेश के जो केंद्रीय बैंकर है उनको मिला है, और इस बार मिला है एशिया प्रशांत के जो बैंक के गवर्नर है उनके रूप में नामित किया गया है रवि मैनन, उन्हें मिला है। तो ठीक है, हमारी न्यूज़ हो गई कि किसे मिला है रवि मेनन को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बैंक के सेंट्रल बैंक के गवर्नर के रूप में नामित किया गया। और इससे पहले अगर ये न्यूज़ आती, इससे पहले किस किस को मिला है, तो वियतनाम, भारत और बांग्लादेश के केंद्रीय बैंकर को भी अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। एग्जाम वॉरियर्स प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक को प्रकाशित किया गया। अगर आप टीवी और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता ही होगा कि एक नरेंद्र मोदी जो अपने प्राइम मिनिस्टर है उनकी एक बुक लॉन्च हुई है जिसे सुषमा स्वराज ने लॉन्च किया है, एग्जाम वॉरियर्स। और किसके लिए है ये, देश भर के छात्रों तक पहुँचाने के लिए इस बुक को लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लॉन्च किया और प्रकाशित किया है पैंगविन इंडिया ने, जिसके अंदर टोटल 200 पेज है। और इसके बारे में जो अपनी यंग जनरेशन है उसको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे वो एग्जाम को फाइट करती है, इसके बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा कि एग्जाम वॉरियर्स किसके द्वारा लिखी गई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई है। और किसने लॉन्च की है, तो विदेश मंत्री जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज। महमूद हुसैन को बांग्लादेश के नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। अब्दुल हमीद ने सईद महमूद हुसैन को देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और आपको पता ही होगा कि जो चीफ जस्टिस होते हैं, हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उन्हें शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति। तो वहाँ के राष्ट्रपति, बांग्लादेश के राष्ट्रपति जो है न्यायमूर्ति राष्ट्रपति जो है उन्होंने हुसैन को शपथ दिलाई है। और बांग्लादेश से रिलेटेड डिटेल देख लेते हैं कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना, वहाँ की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। तो आपको ऐसे याद रखना है ढाका टका, वहाँ की राजधानी ढाका हो गई और मुद्रा हो गई टका। और एक और न्यूज़ बनती है इससे कि ये जो चीफ जस्टिस है, इन 22वें नंबर के चीफ जस्टिस है ये। वन मोर थिंग, बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति है वो है अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद ने सईद महमूद हुसैन को देश के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। तो अब्दुल हमीद को ने इन्होंने शपथ दिलाई है, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद ने सईद महमूद हुसैन को देश के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया और उन्होंने इसे इन्हें शपथ दिलाई है। ठीक है, और ये 22वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। और अब देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज। महाराष्ट्र सरकार ने घोड़ाझारी में वन्य जीव अभयारण्य को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार ने चंद्रपुर जिले के घोड़ाझारी को राज्य के एक नया वन्य जीव अभयारण्य के रूप में मंजूरी दे दी है, जिसकी अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपको बताओ होगा देवेंद्र फडणवीस ने की थी। और ताड़ोबा के पूर्वोत्तर में अभयारण्य में 149 वर्ग किलोमीटर ब्रह्मपुरी ये वन होगा और ये 40 गाँवों में पर्यटन को सुधारेगा। और जैसे अभी हमने मुख्यमंत्री पढ़ लिया है कि देवेंद्र फडणवीस वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के राज्यपाल हैं सीवी राव, ये वहाँ के राज्यपाल हो गए। और इसका मेन क्या, चंद्रपुर जिले के घोड़ाझारी को राज्य का एक नया वन्य जीव अभयारण्य के रूप में मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी न्यूज। और कितने वर्ग मीटर में फैला हुआ है, तो 159 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, अब हम कुछ डे देख लेते हैं। जैसे आपको पता होगा कि अभी एक नया डे सेलिब्रेट किया गया है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। साथ में उस दिन एक कन्या दिवस भी होता है और 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको पता ही होगा। और रिसेंटली एक डे निकला है 4 फेब, 4 फेब को कैंसर दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो गाइस, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया हो वीडियो। ओके, थैंक यू।